अक्सर प्रतिपुष्टि भी इलाके में हुआ था, क्योंकि एक तो जागरूकता के अभाव में जैसे ही कोई जहरीला जीव अगर किसी व्यक्ति को काटता है तो तुरंत उसे प्राथमिक उपचार के बजाय वहाँ देसी इलाज ग्रामीण शुरू कर देते हैं तो हादसे हो जाते हैं और कई लोगों की जान बची भी है क्योंकि उन्होंने देसी इलाज को छोड़कर सीधे हॉस्पिटल गए और जो जहरीले जीव से बचाव का जो इंजेक्शन है वो लगवाया, उनकी जान बची थी। तो ये चूंकि प्राकृतिक एक आपदा में आता है और प्राकृतिक आपदा ही मानी जाएगी क्योंकि जब बारिश होती है, बारिश के बाद जब अकुलाहट होती है तो जीव बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते हैं तो वो रिहायशी इलाकों आबादी की तरफ जाते हैं तो वहाँ हादसा होने का डर रहता है। तो एक तो चूंकि कच्चे मकान हैं, कच्चे घर हैं और कच्चे मकान और घर में ये अपना घर भी बना लेते हैं और जब बारिश होती है या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो ये बाहर निकलते हैं और कहीं ना कहीं जो अपना फन लोगों में मार देते हैं तो ये हादसे होते हैं। लेकिन कई जगह हमने देखा है कि लोग जागरूक होते हैं तो इनको पकड़कर वाइल्ड वाइल्ड की टीम जंगल में भी छोड़ देती है क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है। और अब ये घटनाएं वैसे बहुत ज्यादा कम हो गई हैं क्योंकि विलुप्त होने लगे हैं ये सरीसृप प्रजातियां हैं, जो सर्प हैं ये विलुप्त होने लगे हैं तो बहुत कम घटनाएं देखने को मिलती है। नहीं, आप आज 90 के दशक में जाइए, 80 के दशक में जाइए तो ये घटनाएं बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो ये इसका लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। बिल्कुल विजय, आपने ठीक कहा, 90 या 80 के दशक की बात की जाए तो तब के और आज के युग में भी काफी ज्यादा परिवर्तन हो चुका है, सुविधाएं भी काफी ज्यादा बन चुकी हैं। और इसके साथ ही अगर बात करें वन विभाग की, तो वन विभाग की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होती है कि इस तरह के जीव अगर निकल रहे हैं तो उसके लिए कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं की जाए कि किसी की जान के ऊपर बात ना आए। क्योंकि जिस तरह आपने भी पिछले वाक्य का जिक्र किया जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई थी, तो ऐसे में यदि अगर किसी व्यक्ति की इस तरह के जीव के काटे जाने से जान चले जाती है तो ऐसे में उस मौत का जिम्मेदार कौन होगा? देखिए रीवा, ये बात सही है। इस समय आपने समय रहते आपने देखा होगा कि वाइल्ड वाइल्ड की टीम भी इस समय अलर्ट रहती है, लेकिन उन तक सूचना पहुंचने की जरूरत है क्योंकि आगरा का जो क्षेत्रफल है उसका जो 30% हिस्सा है वो जंगलों का है, जो ग्रामीण आबादी है 70% से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। जब बारिश के मौसम हो या तो ऐसे जो जीव हैं, खतरनाक जो जीव हैं, उसे अलर्ट रहने की जरूरत है और जागरूकता की भी जरूरत है कि अगर कोई जहरीला जीव किसी व्यक्ति को काट लेता है तो उस व्यक्ति को तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया जाए जहाँ सुविधाएं मौजूद रहती है। और सीसीटीवी की जो सीनियर की टीम है बार बार उठाती भी है, चाहे वो जहरीले इंजेक्शन की बात हो या फिर रेबीज की बात हो, क्योंकि आजकल बंदरों और कुत्तों का भी अटैक लोगों पर होने लगा है तो रेबीज की जब जब कमी नजर आती है तो सी न्यूज की टीम ये प्रमुखता से ये खबर उठाता है। अब जरूरत है लोगों को जागरूक रहने की, अगर लोग जागरूक रहेंगे तो ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगेगा। बिल्कुल विजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। विजय बघेल हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे। तो दर्शकों बता दें आपको, तस्वीरों के माध्यम से जो आप देख पा रहे थे पूरा मामला फतेहपुर सीकरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का आपको दिखा रहे थे, जहाँ पर आपने देखा 10 से 15 फीट लंबा विशालकाय अजगर मिला जिसको समय रहते सपेरों ने रेस्क्यू किया और उसके साथ ही पास के ही जो जंगल थे वहां पर उसे छोड़ दिया गया। हालांकि इस बीच ये सवाल जरूर खड़ा होता है किस तरह के जीव जब निकल कर आते हैं तो ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है कि वो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं और इतना नुकसान तक होता है कि कई बार ऐसे जीवों के काटे जाने के चलते लोग अपनी जान भी जो है खो बैठते हैं। तो ऐसे में प्रशासन को और साथ ही साथ वन विभाग को भी इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है और साथ ही साथ अलर्ट रहने की लोगों को भी आवश्यकता है जिससे कि वो उस बात को लेकर सजग रह सके कि इस मौसम के अंदर अगर इस तरह के जीव उनको लगता है कि उनके एरिया में आ सकते हैं तो उसको लेकर के वो ध्यान से रहें और साथ ही साथ अगर कोई सांप या कोई ऐसा जीव उन्हें काट लेता है तो तुरंत नजदीकी अस्पताल में जाकर अपना उपचार जरूर करवाएं। फिलहाल इसी के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और अपडेट लेकर एक बार फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज लाइव में, आपके साथ मैं हूं अदीबा कामिल और बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर। आपको बता दें अनियंत्रित कार ने बाइक सवार दो युवकों को रौंद दिया जिसके चलते दोनों युवक बुरी तरह से घायल हो गए, हालांकि दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें थाना डॉकी क्षेत्र के आगरा फतेहाबाद रोड फौजी ढाबे के सामने की ये पूरी घटना है जहां अनियंत्रित कार ने बाइक सवारों को रौंदा, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
गंभीर रूप से घायल बाइक सवारों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। थाना डॉकी क्षेत्र के आगरा फतेहाबाद रोड का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, फौजी ढाबे के सामने की पूरी घटना है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, अनियंत्रित कार ने दो बाइक सवारों को रौंद दिया, जिसके चलते दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। थाना डॉकी क्षेत्र के आगरा फतेहाबाद रोड के फौजी ढाबे के सामने का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजय बघेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। विजय, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह ये पूरा हादसा हुआ। देखिए अदीवा, आपको बता दें कि आजकल तेज रफ्तार अनियंत्रित तरीके से लोग चलाते हैं और अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को पूरी तरीके से रौंदा और रौंद करके ये लोग नीचे सड़क से नीचे जो खेत है उसमें जाकर गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना थाना डॉकी क्षेत्र के आगरा फतेहाबाद मार्ग फौजी ढाबा है, वहाँ के सामने की ये घटना है। जैसे ही लोगों को इस एक्सीडेंट के बारे में पता चला तो तत्काल उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और इलाका पुलिस की मौके पर पहुंची, घायलों को सीधे हॉस्पिटल में पुलिस ने भर्ती कराया है। लेकिन तमाम अवरोध रास्ते में है, अवरोधक बने हुए हैं, बावजूद इसके इस तरीके की घटनाएं आपने देखा होगा बेहद क्षेत्र में ज्यादा हो रही है, चाहे वो फतेहाबाद हो, डॉकी हो, बाह हो, जयपुर हो, समताबाद हो, पिनाहट हो। इस क्षेत्र में रोज हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोड एक्सीडेंट होता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गनीमत ये रही कि लोगों को जान नहीं गई, लेकिन इसमें एक जो युवक है बाइक सवार है उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, बुरी तरीके से ये घायल है और बेहोश भी हो गया था। तो पुलिस ने आनंद फानंद में तत्परता का परिचय देते हुए इन सभी को हॉस्पिटल भेजा है और इनके परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। जी विजय, इसके साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह आपने भी कहा कि लगातार इस तरह के हादसे जो है वो होते हैं, हालांकि इस तरह के हादसों को रोकने के लिए कोशिशें भी की जाती हैं, व्हीकल्स की बात की जाए उनको भी बनाया जाता है, बावजूद इसके हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे, तो ऐसे में किस तरह से क्या अभियान चलाए जाने चाहिए जो कि लोगों को जागरूक किया जा सके, क्योंकि हम देखते हैं हर साल के अंदर हजारों की तादाद में लोग ऐसे होते हैं जो सड़क हादसों का शिकार होने के चलते अपनी जान गंवा बैठते हैं। देखिए अभी आपको बता दें कि चाहे वो पुलिस हो, प्रशासन हो या ट्रैफिक पुलिस हो, सभी लोगों को जागरूक करते हैं। आपने देखा होगा कि हेलमेट के प्रति आगरा में अब 95% जो जनता है, अगर दुपहिया वाहन पर वो चलते हैं तो हेलमेट लगाकर चलते हैं, नहीं तो पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है और फोटो चालान भी हो रहे हैं। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो देखा था जिसमें एक व्यक्ति हेलमेट धारण किए हुए था और वो गिर जाता, उसके ऊपर से ट्रैक्टर ट्रॉली का पहिया निकल जाता, लेकिन उसको खरोंच तक नहीं आती क्योंकि वो हेलमेट धारण किए हुए था। तो हेलमेट सिर्फ पुलिस के चालान से बचने के लिए नहीं, अपनी खुद की सेफ्टी के लिए हेलमेट होता है। और यही वजह है कि जब हम आगरा से दिल्ली की ओर जाते हैं या किसी दूसरे जनपद में जाते हैं तो हमको ट्रैफिक रूल्स हमेशा याद रहते हैं, ओवर स्पीड याद रहती है, हेलमेट याद रहता है, सीट बेल्ट याद रहती है, लेकिन जैसे ही हम अपने शहर में होते हैं तो इन सभी नियमों को तोड़ने में, चाहे वो रेड लाइट हो या सीट बेल्ट धारण नहीं करेंगे या हेलमेट नहीं लगाएंगे और रोड क्रॉस करते समय नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो ये हादसों का कारण बनते हैं। ओवर स्पीड हमेशा जानलेवा साबित होती है और ओवर स्पीड और लापरवाही की वजह से ही ये हादसे होते हैं। तमाम लोग ड्रिंक कर जो कार और बाइक या भारी वाहनों का जो संचालन करते हैं तो वो भी लापरवाही है और लापरवाही के चलते हादसे होते हैं। तो ये तो जागरूकता जो सरकार की ओर से चलाई जा रही है, जगह जगह आपने साइनेज बोर्ड देखे होंगे, तो ये जागरूकता लोगों की सेफ्टी के लिए है, ना कि सरकार के लिए एक धन उगाही का, राजस्व वसूली का जरिया है। क्योंकि अगर कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो इसमें सरकार के साथ व्यक्तिगत हानि भी लोगों की होती है, तो एक और लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। आपने देखा होगा अगर हम नियम फॉलो करेंगे, अगर जो यातायात नियम है उनका पालन हम करेंगे तो हादसे ना के बराबर होंगे। बिल्कुल
बहुत बहुत शुक्रिया विजय इस तमाम जानकारी के लिए। विजय बघेल हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ संवाददाता जुड़े हुए थे, उनके साथ में बात की। बता दें आपको कि लगातार जिस तरीके से सड़क हादसे हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। जिस तरीके से संवाददाता ने भी बताया कि अगर जो परिवहन नियम बनाए गए हैं, अगर उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम फॉलो करते हुए ड्राइव करते हैं या राइड करते हैं, तो ऐसे में कई बार हम खुद को उन हादसों से होने वाले नुकसान से बचा पाते हैं। लेकिन फिर भी अगर बात करें, इस तरह के हादसे हो जाते हैं और कई लोगों की लापरवाही भी ऐसे में सामने आती है। जो ताजा मामला आपको बता रहे हैं, यहां अनियंत्रित एक कार ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मारी, जिसमें दोनों युवक बुरी तरह से घायल हो गए, जिसमें से एक की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने तत्परता का परिचय देते हुए दोनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। ये पूरा मामला आगरा के डॉकी थाना क्षेत्र के आगरा फतेहाबाद रोड एक ढाबे के सामने का है, जहां पर ये पूरा मामला सामने आया। फिलहाल इसी के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और अपडेट लेकर फिर हाजिर होंगे। आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।